किसानों के भारत बंद का असर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। कई स्थानों पर तो किसान रेल की पटरियों पर भी बैठ गए, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। यूपी के कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। इस दौरान कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चेतावनी पत्र भेजा। किसानों का कहना है, 3 कृषि कानूनों के विरोध में 27 नवंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि का विरोधी कानून को वापस नहीं लिया तो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। हमारा आंदोलन लगातार जारी है। 27 नवंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है। अगर एक साल इस 27 नवंबर तक मोदी जी ने कानून वापस नहीं लिए और कोई ठोस कानून एमएसपी पर नहीं बनाया तो भारतीय किसान स्वराज भारतीय संयुक्त मिसा के पास एक प्रस्ताव भेजा है भारतीय किसान मजदूर फाउंडेशन की ओर से कि हम मोदी जी के आवास को घेरकर एक पक्का मोर्चा लगाकर वहां बैठेंगे। हमारा आंदोलन लगातार जारी।